Number two, there is a portal. You heard about NPTEL Swayam portal. Okay. हम लोगों के एमपी में क्या है कि सारे कॉलेजेस को गवर्नमेंट से ही एक ऑर्डर था कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज एज अ लोकल चैप्टर ऑफ स्वयं पोर्टल. तो एनपीटीएल, यू नो कि देयर इज अ यूनियन ऑफ सेवन आईआईटीज एंड आईआईएससी पुणे. तो इन लोगों ने मिलकर एक पोर्टल डिजाइन किया है एनपीटीएल का. उसमें आप सभी लोग कोर्सेस करते भी होंगे, है ना, होंगे आई होप सो. लेकिन व्हाट इज द फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स? ओके, तो अगर हमारा स्टूडेंट क्या होता है, अगर हम उसको फर्स्ट सेमेस्टर से कराना चालू करते हैं, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से कराना चालू करते हैं, तो फोर्थ सेम तक वो बहुत यूज हो जाता है कि हाउ टू अपीयर इन एग्जाम और सिलेबस कितना आता है, देन जो उनके वो होते हैं असाइनमेंट होते हैं उससे कितना परसेंटेज पूछा जाता है. अगर इतना सब कुछ करने के बाद देयर इज सम कैटेगरीज, है ना. तो एक कैटेगरी तो होती है एमपीए टॉपर कैटेगरी. अगर वो क्या 5% टॉपर कैटेगरी में आ जाता है, और इट्स नॉट सो हार्ड, है ना. मैं बहुत छोटे मतलब टेरिटरी से बिलोंग करता हूँ, खितोला सीहोरा जबलपुर. तो वहाँ के हिंदी मीडियम बैंड के स्टूडेंट हैं. हमने शुरुआत करी बच्चों को, पहले हमने असाइनमेंट्स करके दिए उन्हें, वो बोला कि आप सबमिट करो. तो इट्स लाइक कि हम कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं. लेकिन वो धीरे धीरे यूज टू होते गए. फोर्थ सेम तक आते आते टू स्टूडेंट्स, है ना, ने टॉपर किया, आईआईटी टॉपर किया, और उसमें वो इंटाइटल हो गई है ना. फॉर वॉट? वो फ्री इंटाइटल है. मतलब हम एनपीटीएल को प्रपोजल भेजेंगे, रिसर्च प्रपोजल बना के, फिर एनपीटीएल विल टेक केयर ऑफ हर. वो आईआईटी गुवाहाटी में. ओके, मैं